आई एम मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम MSCIT एरा का सेशन नंबर 7 देखेंगे। टेक अ चैलेंज 61। इसमें सवाल है कि हाउ विल यू रीस्टोर द गिवन विंडो। दी हुई विंडो को रीस्टोर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो रीस्टोर डाउन लिखकर आता है क्लोज के बाजू, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है तो वो रीस्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल, टेक अ चैलेंज 62। यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू व्यू आइटम्स विथ लार्ज आइकन बाय यूजिंग मेन्यू ऑप्शन। मेन्यू ऑप्शन से लार्ज आइकन्स करना है, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन होता है, तो इसे हमें मेन्यू से करना है। इसमें अब यहाँ से ये जो आइकन है यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू से लेना है। तो मेन्यू बार में यहाँ पर व्यू है, व्यू में जाना है और व्यू में से जो कह रहा है लार्ज आइकन्स, तो लार्ज आइकन पे क्लिक करना है, तो ये लार्ज हो जाएगा। अगला सवाल, यू वॉन्ट टू चेंज फॉन्ट स्टाइल ऑफ योर वर्डपैड डॉक्यूमेंट। यूज़ अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू अप्लाई कैलिब्री फॉन्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो यहाँ से इसका फॉन्ट का नाम लेना है, यहाँ पर क्लिक करके कैलिब्री। तो अब इसमें लिस्ट में नहीं दिखेगा वो, तो यहाँ पर बाजू में एक स्क्रॉल है, उसके बटन पे क्लिक करना है तो वो स्क्रॉल डाउन हो जाएगा। उसके बाद कैलिब्री पे क्लिक करना है। अगला सवाल, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिसाइकल बिन के बारे में। यू कैन फाइंड डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। तो हम अगर डिलीट कर दें तो रिसाइकल बिन फोल्डर में से ढूंढ सकते हैं फाइल्स। यू कैन रीस्टोर ऑल फाइल्स इन रिसाइकल बिन इफ़ यू एवर नीड। अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम रिसाइकल बिन से रीस्टोर भी कर सकते हैं फाइल्स अगर हमें लगे, तो ये भी सही है। यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क बाय रीस्टोरिंग फाइल्स इन रिसाइकल बिन। हम जो है तो स्पेस भी जो है तो बढ़ा सकते हैं डिस्क का रिसाइकल बिन से फाइल्स को रीस्टोर करके। और अगला है, यू कैन राइट क्लिक एंड चूज एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लीन इट एट वंस। इसे हम राइट क्लिक करके एम्प्टी भी कर सकते हैं, पूरे फाइल्स वहाँ से डिलीट हो जाएंगे कंप्यूटर से, तो ये भी सही है। लेकिन ये थर्ड जो नंबर का है, यू कैन इंक्रीज फ्री स्पेस ऑफ डिस्क, मतलब रिस्टोर करने पे फाइल्स जहाँ के वहीं चले जाएंगे तो डिस्क का स्पेस कम नहीं होगा, जब वो एम्प्टी होगा तो डिस्क का स्पेस कम होगा, तो ये रहेगा उसका जवाब थर्ड। अगला सवाल, व्हाइल टाइपिंग टेक्स्ट इन वर्डपैड एप्लीकेशन यू वॉन्ट टू मूव टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन लाइन टू नेक्स्ट लाइन। टू डू सो यू कैन यूज़ डैश फीचर ऑफ वर्डपैड। हम वर्डपैड में एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं और हमें टेक्स्ट को पहली लाइन से दूसरी में या फिर नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो हम उसमें से कौन सा फीचर यूज़ करेंगे? तो इसमें कलर फीचर तो यूज़ नहीं होगा, मेल मर्ज फीचर यूज़ नहीं होगा, वर्ड रैप इसका जवाब है, वर्ड रैप से वो बराबर से हो जाएगा अगर दिख नहीं रहा है तो नेक्स्ट लाइन। अगला सवाल, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एस माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर लोकेटेड डैश इन द सिस्टम यूनिट। तो ये सारे माउस कीबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं या आउटसाइड, तो आउटसाइड होते हैं, इसे सबमिट करना है। इसके बाद अगला सवाल, डैश इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस दैट आर यूज बाय कंप्यूटर। इसमें से कौन सा डेटा और इंस्ट्रक्शन है जो यूज़ किया जाता है कंप्यूटर से? तो इनपुट जो रहेगा, इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन देंगे हम तो कंप्यूटर से यूज़ करेंगे, उसे ऑपरेट प्रोसेस करेंगे। ये अगला सवाल है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन रोहित को एक्सप्लोर करना है टॉपिक एजुकेशन का, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? तो उसे अब एक्सप्लोर करना है एजुकेशन का टॉपिक, तो यहाँ से यहाँ पर जो एक्सप्लोर बटन है वहाँ पर क्लिक करना है, और जो एजुकेशन लिखा हुआ है वो प्लस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल, राकेश को बुकमार्क करना है न्यू वर्ल्ड,
तो वो कहाँ पे क्लिक करेंगे, तो बुकमार्क के लिए ये उसका शॉर्टकट होता है स्टार, तो ये बुकमार्क हो गया। अगला सवाल, यू कैन बुक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, रमेश को बुक करना है डॉक्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो वो कहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बुक अपॉइंटमेंट नाउ लिख कर आ रहा है, वहाँ पर जाने के बाद वो सही हो जाएगा। थैंक यू।